बहुत समय पहले की बात है, एक साधु अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान। जी हाँ दोस्तों, आ गया फिर से एक नया चैनल आइडिया, जिसमें आपको ना तो फेस दिखाना ना तो अपनी वॉइस लगानी है, सिर्फ आपको कहानी बना के यूट्यूब पर डाल देना है। तो कैसे बनाना है बिना किसी बहस के, मैं आपको सीधे डायरेक्ट बताऊंगा। आपको यहाँ पर सर्च करना है कहानी हिंदी इंटरेस्ट, और इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे पेजेस खुल जाएंगे, तो जिसमें कहानी ही कहानी है हर वेबसाइट में। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद में आगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 23 कहानियाँ हैं, जिसमें से काफ़ी सारी अलग अलग प्रकार की कहानियाँ, जिसमें आपको बनाना हो उस हिसाब से आपको उस कहानी को यहाँ पर ले लेना है। तो मैं यहाँ पर दूसरे नंबर की कहानी लूँगा, साधु की बेटी, इस पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस तो होगा। तो इसको कुछ नहीं करना, हमको इसको कर लेना है कॉपी। तो चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से मैंने इसको कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद में आपको जाना है पिक्सल लैब में। तो चलिए वहाँ पर इसको किस प्रकार से बनाना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। आपको भी अपना पिक्सल लैब खोल लेना है, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे न्यू टेस्ट लिखा है, तो इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पर डिलीट इसको कर देना है। करने के बाद यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है, और इमेज साइज पर चले जाना है। इमेज साइज पर जाने के बाद कस्टम पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको रेशियो ले लेना है। पहले में आपको रेशियो डाल देना है 300, और दूसरे में 500। इसके बाद यहाँ पे कर देना है ओके, और इसके बाद में यहाँ टेस्ट पर जाना है। लेकिन आप इसका बैकग्राउंड भी पहले चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और इसका बैकग्राउंड भी आपको यहाँ से चेंज कर देना है। और बैकग्राउंड आप रखिएगा इसका ब्लैक, तो इसका ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ से हम कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ टेस्ट पर क्लिक करना है, और डबल टैप करके इसको जो है यहाँ पर इस कहानी को हमको कर देना है यहाँ पर पेस्ट। देख सकते हैं पेस्ट हो गया है, और पेस्ट करने के बाद में इसका जो मेन हेडिंग है कहानी का, वो भी आपको यहाँ से ले लेना है। तो चलिए उस मेन हेडिंग को भी यहाँ से हम ले लेते हैं। यहाँ पर जो मेन हेडिंग है इसकी, इसकी सिर्फ ये एक चीज़ लेनी है, साधु की बेटी, इतना बस आपको यहाँ पर लेना है। तो इसको यहाँ से कर लेंगे हम कॉपी, और फिर वहाँ पर जाकर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको लाकर पेस्ट कर दिया, और इसके जो पूर्ण ग्राम है इसको यहाँ से हटा देना है। तो चलिए किस प्रकार से हटाना है सारे मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से यहाँ से आपको ये पूरा गैप इसका हटा देना है, और जो भी पूर्ण ग्राम और कॉमा के चिन्ह है उनको सबको यहाँ से हटा देना है, ताकि बोलने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ से भी इसको हटा देंगे इस प्रकार से, यहाँ से सारे पूर्ण ग्राम इस प्रकार से हटा देने हैं। देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी हैं। इस प्रकार से आपको सारे हटा देने के बाद में इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में इसका कलर चेंज आपको करना है, तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ ए पर क्लिक करेंगे, और इसका कलर यहाँ से हमको चेंज कर देना है, जो भी हमको कलर चाहिए। जैसे मैं इसका रेड कलर लूँगा, और यहाँ के बाद आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है स्ट्रोक का, इस पर क्लिक करने के बाद में इसका स्ट्रोक आपको पीला कर देना, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखने लगेगा। इस प्रकार से आपको इसका स्ट्रोक कम ज़्यादा कर देना है, और इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसका साइज़ भी आपको यहाँ से कम ज़्यादा कर देना है। तो चलिए साइज़ के लिए ए पर क्लिक करेंगे, और इसका साइज़ भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, और यहाँ से ला के इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको इस प्रकार से यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। मैंने कुछ इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर दिया है, और इसकी साइज़ भी मैंने यहाँ पर 60 ही रखी है, एडजस्ट बस कर दिया है। और इसके बाद में यहाँ से कुछ आपको इसके काइन मास्टर में एडिट करने के लिए कुछ फूल वगैरह आपको वहाँ से डाउनलोड करने हैं, तो वो भी डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको फ्लावर लिख देना है इस प्रकार से, फ्लावर इमेजेस इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिख देना है। लिखने के बाद काफ़ी सारे फ्लावर्स आएंगे, तो यहाँ से जो भी आपको फ्लावर सही लगे उसको यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मुझको यहाँ पर एक ये फ्लावर सही लग रहा है, तो मैं इसको डाउनलोड यहाँ से कर लेता हूँ। इसको डाउनलोड इस प्रकार से कर लेना है, और इस प्रकार से यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद एक यहाँ से बल्ब या लालटेन आपको यहाँ से ले लेनी है, तो बल्ब इमेजेस पर क्लिक करके वो भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ पर बल्ब बहुत सारे हैं, जो भी आपको सही लगे वो ले लेना है आपको। तो मैं यहाँ से एक बल्ब यहाँ से ले लेता हूँ, ये बल्ब यहाँ पर दिख रहा है, इसको यहाँ से ले लेता हूँ मैं, और एक बल्ब मेरे में डाउनलोड भी है, तो आपको जिस हिसाब से जो लेना हो तो ले लेना है। और इसके बाद में इसको यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आना है रिमूव बीजी पर, और इसका बैकग्राउंड यहाँ से कर देना है हमको चेंज, जो पीछे का बैकग्राउंड है तो वो यहाँ से चेंज हो जाएगा, ताकि वहाँ पर दिखे ना। और इस पर क्लिक करके हमको जो भी बैकग्राउंड जिसको चेंज करना है, इस प्रकार से यहाँ पर बैकग्राउंड हम इसका कर लेंगे चेंज, ताकि वहाँ पर दिखे ना। ये करने के बाद यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसका पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हैं चला गया है।
अब चलते हैं काइन मास्टर पर और वहाँ से आपको किस प्रकार से एडिट करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं काइन मास्टर पर आ गया हूँ और यहाँ पर आने के बाद में आपको इसका रेशियो 16:9 ले लेना है और क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद में इस पर आप इस प्रकार से इंटरफेस होगा। मीडिया पर क्लिक करके इसका भी बैकग्राउंड आपको यहाँ पर ब्लैक ले लेना है और जितने सेकंड का आपका वीडियो उतना आपको यहाँ से बढ़ा लेना है और इस प्रकार से इसको लेयर को बढ़ा के यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। मैंने इसको कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर लेयर पर क्लिक करेंगे और जो इमेजेस हमने ली हैं उस इमेजेस को यहाँ पर हमको ले लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कई सारी इमेजेस के बैकग्राउंड चेंज किए हैं तो मैं एक इमेजेस ये लूँगा और इसको यहाँ पर इस प्रकार से कुछ लगा के यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा। इस प्रकार से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। चलिए इसको एडजस्ट कर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना है और एडजस्ट करने के बाद में दूसरा इसका लेयर भी हमको यहाँ पर 17 सेकेंड कर देना है बढ़ाकर। इस प्रकार से इसका लेयर बढ़ा के यहाँ पर हमको 17 सेकेंड का जैसे हमारा वीडियो है उस प्रकार से हमको इसको कर देना है। करने के बाद में यहाँ से फिर हमको वो ले लेना है, बल्ब भी यहाँ से लेना है जो बल्ब हमने लिया है, तो उस बल्ब को यहाँ पर लेकर इस प्रकार से यहाँ पर लगा देना है। इस प्रकार से लगाने के बाद में दोनों साइड इसको लगा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसी प्रकार से आपको लगा लेना है, तो फिर आगे का मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैंने इसको लगा दिया है और इसके बाद चलना है पिक्सल लैब पर वापस। तो चलिए पिक्सल लैब पर क्या करना है वो भी देख लेते हैं। पिक्सल लैब पर आने के बाद जो इसकी इमेजेस है फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर शेयर पर क्लिक करके इसको यहाँ पर अल्ट्रा में डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है, मास्टर ऐप को इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद में अब आगे का प्रोसेस जो है वो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से काइन मास्टर पर इसको लगाना है। मैं काइन मास्टर पर आ गया हूँ, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वॉइस कहाँ से जनरेट करेंगे, तो चलिए पहले आपको वो बता देता हूँ, इसके बाद में यहाँ पर एडिटिंग आपको बताता हूँ। तो वॉइस एडिट करने के लिए आपको पहले इस वॉइस को कॉपी करना है। तो चलिए पिक्सल लैब से इस पूरे वर्ड को हम कर लेते हैं पहले कॉपी। पिक्सल लैब एप्लीकेशन में आने के बाद इस पर डबल क्लिक करना है और जितनी भी इसकी ये पूरी वर्ड है इनको पूरा सा जो है कॉपी कर लेना है इस प्रकार से, और यहाँ से पूरा इसको कॉपी कर लेना है। पूरा कॉपी करने के बाद में फिर आपको बताता हूँ किस ऐप से इसको बनाना है। इसके बाद में आपको इसको कॉपी करने के बाद में प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में एक ऐप आपको सर्च करना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको सर्च करना है ऐप का नाम नरेटर वॉइस, ये आपको यहाँ पर डाल देना है नरेटर वॉइस। इस प्रकार से लिख के आ जाएगा, देख सकते हैं मेरे में डाउनलोड है तो ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपके में इंस्टॉल का आएगा तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। और इसके बाद में इसका इंटरफेस आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर आपको बनाना है। ऐप का इंटरफेस आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ से आप चाहें तो इसके मतलब लैंग्वेज और इसके मतलब अलग अलग आवाज़ें हैं, लेखा है, नील है, मधुर है, स्वरा है, इस प्रकार से आप इनकी आवाज़ें यहाँ से ले सकते हैं और लैंग्वेज आपको हिंदी ही रखनी है। इसके बाद जस्ट बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में आपको ने जो कॉपी किया है तो उस यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसको देन यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद में जो इसके प्रोग्राम है ये हटा देना है ताकि आवाज़ रुके ना, काफ़ी आवाज़ रुक जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके आवाज़ को जो है हमको रुकने नहीं देना, ये सारी चीज़ें यहाँ से हमको हटा देनी है। इस प्रकार से सारी चीज़ें यहाँ से जितनी भी हैं सब हटा देनी है, आपको अपने हिसाब से देख लेना है। हटाने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का, इस पर देना आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ प्ले का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आवाज़ यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको आवाज़ डाउनलोड करके फिर आगे आपको बताता हूँ। वॉइस फ्रेंड्स रिकॉर्ड ही होने वाली है। वॉइस रिकॉर्ड होने के बाद में आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से ये आवाज़ करता है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहुत समय पहले की बात है, कुछ इस प्रकार से इसमें एक साधु अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। शेयर पर क्लिक करने उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान उनके यहाँ जरूर हो। एक दिन साधु जब तपस्या में लीन था तभी एक चील ने अपने पंजे में फंसी एक चूहिया उसके ऊपर गिरा दी। साधु ने उस चूहिया को घर ले जाने का निश्चय किया, लेकिन उससे पहले उसने उसे एक लड़की में बदल दिया। उस लड़की को देखकर साधु की पत्नी ने पूछा, कौन है ये? इसलिए तुम ही उसके पिता हैं। इस तरह मैं भी उसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। बहुत समय पहले की बात है, ये देख सकते एक साधु अपनी पत्नी के साथ नदी में लीन था तभी एक चील ने अपने पंजे में फंसी एक चूहिया उसके ऊपर। वापस काइन मास्टर पर आने के बाद में जो हमने इमेज पिक्सल लैब से डाउनलोड किया है उस इमेज को यहाँ पर हमको ले आना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद में
जो इमेजेस हमने वहाँ से ली है उस इमेजेस पर क्लिक करके इस प्रकार से यहाँ पर उस इमेजेस को ले आना है और इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देना है। इस प्रकार से बड़ा करने के बाद में यहाँ पर आगे का स्टेप जो है, इस पर की लगानी है, वो कैसे लगानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। की लगाने के लिए जो आपने इंपोर्ट किया है इमेजेस, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एक की का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद बाद में आपको इसको पहले नीचे साइड ले आना है, इस प्रकार से नीचे साइड लाना है और इस प्रकार से इसको यहाँ पर बढ़ा देना है यहाँ लास्ट तक। और इसके बाद में इसको हम देखते हैं प्ले करके किस प्रकार से ये चलेगा। अब इसको प्ले करके देखते हैं, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये ऊपर की साइड में जाएगा और इसमें सिर्फ अपनी आवाज़ जो है, जो हमने वहाँ से वॉइस रिकॉर्ड की है, उसको यहाँ पर हमको ऐड कर देना है। तो किस प्रकार से ऐड करना है वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आना है आइडियो पर और जो आपने वो आइडियो लिए उसको यहाँ से ढूंढ लेना है। तो चलिए मैं उस आइडियो को ढूंढ कर यहाँ पर लगा देता हूँ। आइडियो मैंने लगा दिया, अब इसको थोड़ा प्ले करके देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक साधु अपनी पत्नी के साथ नदी देख के सकते हैं तट कुछ पर इस रहता प्रकार था। से ये उन यहाँ दोनों पर की चलेगा कोई और इस संतान प्रकार नहीं से आप थी। अपना उनकी बड़ी एडिट कर इच्छा पाएंगे थी और कि इस कम प्रकार से से ये कम आपको यहाँ एक पर बना संतान देना है। उनके मैंने इसको सिर्फ 13 सेकंड का बनाया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर लगा लेना है और इस की का प्रयोग करके आपको इस प्रकार से यहाँ पर बिना वॉइस और बिना फेस के वीडियो कहानी का बना सकते हैं। और यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि आप एजुकेशन या जानकारी वीडियो आप मतलब कंप्यूटर वॉइस पर लगा सकते हैं, चैनल मोनेटाइज होते हैं। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा और कहीं से ना तो कोई आपको कॉपीराइट मिलना है, ना तो कुछ क्लेम मिलना है, कुछ नहीं मिलना आपको। आपको सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी एडिट करना है और एडिट करने के बाद देन पोस्ट कर देना है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अगली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।